मैक्सिमम लूट करते हैं, बाइकों पे सवार होके हथियार के बल पे बैग लूटते हैं, मोबाइल लूटते हैं, चैन लूटते हैं, और जैसा कि कहते हैं अगर गाड़ी भी लूटना है ओवर पावर करके गाड़ी भी लूटते हैं। इसके ऊपर 35 मुकदमे तो दिल्ली और विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिल गए हैं जो आपराधिक इतिहास है, और एक सनसनीखेज खुलासा इंदिरापुरम का हुआ है जो 28 तारीख में वहां पर उन्होंने एक लूट के प्रयास में एक व्यक्ति को गोली मारी थी। इंदिरापुरम का इस घटना इसने इकबाल किया है गुड्डू ने वसीम। इसमें इनके ऊपर कहते हैं हमारे थाना क्षेत्र 20 से एक मुकदमा मिला है, और बाकी इनके ऊपर 35 मुकदमे दिल्ली के विभिन्न थाना क्षेत्रों के मिले हैं, और इनका जो गैंग है उसका गैंग लीडर मुश्ताक है, मुश्ताक गैंग के नाम से वहाँ पर ये रजिस्टर्ड गैंग है। मुश्ताक इस घटना में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनके सारे सदस्यों पर हमारी नज़र है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इनसे जो लूटा हुआ कैश था उसमें से 30,000 रुपये और एक कट्टा बरामद हुआ है, और इसमें एक व्यक्ति और जितेंद्र है जो वो भी कहते हैं इसमें गिरफ्तार हुआ है, जो सूत्रधारक और मतलब षड्यंत्रकारी गतिविधियों में इनके साथ इस घटना में इन्वॉल्व था। इसके 4 सदस्य हैं जिसमें एक दिनेश गुप्ता है, वो भी खोड़ा कॉलोनी का है, अभी तिहाड़ जेल में बंद है, और मुश्ताक है, वसीम गुड्डू जो गिरफ्तार हुआ है, दुर्गेश गुप्ता है ये तिहाड़ जेल में है, और मुश्ताक खुद है जो गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी का वो भी रहने वाला है, और आबिद वसीम गुड्डू जो ये गिरफ्तार हुआ है गुड्डू ये इस गैंग का सदस्य रहा है। ये कहते हैं पकड़ धकड़ में एक चार दीवारी से ऊपर से कूदा है जिसमें इसका फ्रैक्चर हुआ है, हाँ वहाँ से जहाँ ये घटनास्थल है वहाँ से कूदा है, पुलिस ने इसको पूरी तरह से घेर लिया था। तो जैसा कि मैंने कहा ये बहुत ही अच्छे पेशेवर मुश्ताक गैंग के सदस्य हैं, इनको गोली चलाने में और पुलिस के ऊपर हावी होने में कोई देर नहीं लगती, तो पुलिस ने स्ट्रेटजी के साथ इनको घेरा था, लेकिन ये पूरी तरह से दुस्साहसिक कर्तव्य करता हुआ ये भागा और खुद ऊंचे से कूदा है जिससे पैर में इसके चोट आई है, मोच आई। ये मैंने जैसे बताया कि इनके ऊपर जो मुकदमे हैं 2010-11 और 2010-11 के लिए कहते हैं सबसे ओल्डेस्ट मुकदमे हैं दिल्ली के, कहते हैं 11 का जो कहते हैं अमर कॉलोनी थाना क्षेत्र का 2010 का मुकदमा है चोरी का, तो ये सब एक गैंग में मतलब 5-6 साल से ये सब परिचित चले आ रहे हैं, और गैंग रजिस्टर्ड होने का मतलब है कि कई गतिविधियों में लिप्त होने के बाद ही गैंग बनता है, तो दिल्ली पुलिस का ये कुख्यात गैंग है।